गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में प्रैम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रैम्बल को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज़ को डिफाइन किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको अप्लाई किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये कंप्लीट तैयार जो हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पहले हम इसकी क्वालिटीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली क्वालिटी है, ये सॉवरेजिन है। सॉवरेन दैट मीन्स ये सुप्रीम अथॉरिटी इंडिया के पीपल के पास है, दैट मीन्स लोगों के पास है। बाहर के किसी भी कंट्री या किसी भी किंग या किसी भी दूसरी पावर का इंडिया के ऊपर कोई भी राइट नहीं है। दैट मीन्स लोगों के पास ही वास्तविक पावर है, और बाहर से किसी के भी अंडर में या किसी के भी प्रेशर में, पावर में इंडिया नहीं है। कम्प्लीटली फ्री है, किसी की स्लेवरी नहीं है। नेक्स्ट, ये सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मीन्स, देखिए सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर हम लेंगे कि जो पहले क्या था ना, कि लोगों के पास एक अनइक्वालिटी वाली जो फीलिंग थी, दैट मीन्स कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता था और कुछ लोगों के पास नहीं होता था। सामाजिक, जैसे हम कहते हैं ना कि सामाजिक या सोशली जो इनइक्वालिटी है वो अब नहीं रहेगी। लोगों को इस तरीके से कानून दिए जाएंगे या इस तरीके से लोगों के लिए कानून बनाए जाएंगे कि उसमें जो अमीर लोग हैं वो भी और जो गरीब लोग हैं वो भी, सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और इकोनॉमिकली और सोशली जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक ऊंचे नीचे वाली जो फीलिंग है वो अब ना हो, और सभी लोग इक्वली रहें। दैट मीन्स ऊंचे नीचे वाला ना हो, बिल्कुल एकदम बैलेंस में सभी लोग रहें और सोशली एक इक्वलिटी की फीलिंग आ जाए। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर दैट मीन्स एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर किसी भी रिलीजन के लिए कोई प्लेस नहीं है। इंडिया का कोई भी पर्सन वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसके ऊपर रिलीजन बेस पर कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होगा। दैट मीन्स इंडिया का कोई भी अपना कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, ये हर एक रिलीजन को मानने वाला है और किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानता है। तो इंडिया के जो सिटीज़न है वो भी इसके लिए फ्री हैं, और रिलीजियस बेस पर किसी के साथ भी कोई भी मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, और हर एक रिलीजन को इक्वली रेस्पेक्ट दी जाएगी। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखनी है कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि लोग अपने लिए खुद रूलर्स को इलेक्ट करेंगे, किसी भी तरीके की डायनेस्टिक कोई भी रूलरशिप नहीं होगी। सो यहाँ पर ये अडॉप्ट किया गया कि भारत के जो लोग हैं वो खुद अपने लिए एक फिक्स टाइम पीरियड पर लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और उसको रन करेंगे, लेकिन वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद होगा, जिसमें वोटिंग प्रोसेस के थ्रू ही लीडर का इलेक्शन किया जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके का डायनेस्टिक सिस्टम इसमें अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक दैट मीन्स जो भी हेड, जो स्टेट का हेड होगा, दैट मीन्स जो भी किंग होगा वो डायनेस्टिक नहीं होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया होगा। लोग उसको अपने लिए खुद इलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि राजा है उसके बाद उसका बेटा होगा उसके बाद बेटा होगा। राजा का कोई भी सिस्टम नहीं है, या फैमिली का कोई सिस्टम नहीं है कि एक फैमिली के पर्टिकुलर मेंबर ही जो लीड रोल में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंस दी गई वो दी गई जस्टिस के लिए, कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा किसी भी बेस पर, चाहे वो कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर है, या सोशल और कोई स्टेटस है। किसी भी बेस पर किसी के भी साथ कोई इनइक्वालिटी या इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, या लैंगिक आधार पर, स्त्री या पुरुष के भेद पर, या और सामाजिक जो स्तर है उनमें से किसी के भी बेस पर किसी के साथ बिहेव नहीं किया जाएगा जो कि असमानता को या अनइक्वालिटी को प्रिफर करता हो। नेक्स्ट है लिबर्टी। हर एक आदमी इंडिया में फ्री है किसी भी तरीके से, बस एक कंडीशन रखनी है कि उससे देश को कोई खतरा ना हो, देश की अखंडता को, या देश को किसी भी तरीके से सोशली या
डिफेंस रिलेटेड कोई खतरा ना हो, और दूसरा कोई भी ऐसा वो काम ना करे जिससे कि उसके साथ के किसी भी दूसरे पर्सन को, दैट मीन्स सोशली किसी पर्सन को, उससे कोई भी हरासमेंट हो। तो अगर ऐसा कोई कॉज नहीं है तो किसी भी पर्सन को रोका नहीं जा सकता है, उसको वो कम्प्लीटली फ्री है, वो कहीं भी रह सकता है, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकता है, कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, वो कम्प्लीटली फ्री है, बस ऐसा कोई काम ना करता हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलीगल हो। नेक्स्ट है इक्वलिटी, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट है, गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो सब लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है, किसी को कम नहीं है, किसी को ज़्यादा नहीं है, जो भी इंडिया के कंट्रीमैन है उनके लिए सब के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है। जितने भी लोग हैं वो सब कानून की नज़र में या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब इक्वल हैं, किसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा किसी को नहीं है, किसी को भी कम अपॉर्चुनिटी या कम मौके नहीं होंगे, सब लोग बराबर रहेंगे, उसमें किसी को भी अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसी को भी, कोई भी पर्सन ऐसा है नहीं होना चाहिए जिसको थोड़ा बहुत भी या इधर उधर ट्रीट किया जाए, उसके साथ मिसबिहेव किया जाए, बल्कि ये सबको ये समझा जाएगा कि हम लोग जैसे एक परिवार के मेंबर होते हैं ना, कि सब लोग इक्वल हैं, परिवार में सब तरीके के लोग होते हैं, कोई गुस्सा वाला भी होता है, कोई प्यार वाला भी होता है, कोई छोटा भी होता है, कोई मोटा भी होता है, सब तरीके के लोग होते हैं परिवार, फैमिली में सब तरीके, तो उसी तरीके से पूरी सोसाइटी को अपना एक फैमिली मान लिया जाए और सब लोग उसको फॉलो करें, दैट मीन्स जितने भी सिटीजन है ना वो सब एक दूसरे के साथ में बिल्कुल ऐसे रहें जैसे फैमिली के मेंबर रहते हैं, लड़े भी तो उसके बाद प्यार से भी रहें, दैट मीन्स आपस में कोई झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो, फैमिली मेंबर्स की तरह मिलजुल करें, खुश रहें और बढ़िया तरीके से देश हमारा आगे बढ़ता रहे, डेवलप हो, ऐसी एक कोशिश की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रैम्बल है उसमें, इस तरीके से एक मैं तो कह सकता हूँ कि इस तरीके से एक विश की गई थी कि ऐसा हो जाए। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि अच्छे से आप प्रैम्बल आपको समझ में आ गया होगा और कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके मालूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे, अभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।